मित्रों, प्रेम प्रकृति है, ये व्यवहार नहीं कि मैं करूं तो तुम भी करो। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे ओ नाम वाले लोगों के बारे में, यानी कि ओ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप ओ नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ओ लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओ नाम वाले लोग कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद ओ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओ नाम वाले कैसे होते हैं। बहुत ही तेजस्वी होते हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है, शौकीन स्वभाव के होते हैं और आजाद किस्म के होते हैं, यानी कि आजाद ख्यालों के, और इनको बंदी से पसंद नहीं होती हैं। अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करते हैं आसानी से, और इन्हें कोई रोक टोक करे बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता है। हमेशा अपने मन की करना चाहते हैं, अधिक सौंदर्य प्रेमी और अधिक कला प्रेमी होते हैं, कहना चाहिए अपने मन के राजा होते हैं। ये अपने ही बनाए उसूलों पर अपना जीवन चलाते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, इनमें बहुत धैर्य होता है, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्रोधित हो गए तो फिर ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, फिर सरलता से काबू में नहीं आते हैं। अपने कामों को धीरे धीरे से सब्र के साथ समाप्त करते हैं और आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करते हैं, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सब प्रकार के भौतिक साधनों का उपभोग करने के लिए लालायित रहते हैं, ये प्रसन्न चित्त होते हैं। कई बार इनका स्वभाव जिद्दी हो जाता है, यानी थोड़ा जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं, और कोई कार्य आरंभ करें तो पूर्ण करके ही दम लेते हैं। बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं और इनका स्वाभिमान इनके व्यक्तित्व से जुड़ा है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। जमीन से जुड़े लोग होते हैं, स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। एक बार कुछ करने की ठान लें तो उसे करके ही दम लेते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ये डगमगाते नहीं हैं। इनके व्यक्तित्व से ही आपको परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी होने का भाव प्रदर्शित होता दिखेगा, और अपनी योग्यता के दम पर ही ये सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। सामाजिक मान सम्मान पाने के सारे गुण इनमें मौजूद होते हैं, और ये लोग कभी कभी स्वभाव से ज़्यादा जिद्दी भी हो सकते हैं। किसी काम को करने या किसी चीज़ को अपनाने की जिद कई बार इन पर नकारात्मक असर भी डालती है, और इनके जिद्दी रवैये के कारण कुछ लोग इनको कई बार अहंकारी भी मानने लगते हैं। प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं और अपने प्रति भी उसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं। बड़े रोमांटिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार रहते हैं, और साथ में इसी तरह का व्यवहार अपने जीवन साथी से भी चाहते हैं। सामान्य तौर पर ये देखा जाए तो अपने जीवन साथी को ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। भौतिक साधनों के लिए महंगी चीज़ें खरीदना इनको पसंद होता है। इरादे अच्छे होते हैं और लोगों को आपसे बात करना पसंद आता है। आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। आपके जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता है। प्रेम के मामले में सच्चे साथी साबित हो सकते हैं। प्रेम के मामले में इन पर यकीन किया जा सकता है। लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। वैसे ये प्रेम निभाने वाले होते हैं, और वैसे इनका जीवन भी अच्छा होता है, आनंदमय होता है। देखा जाए तो जीवन अच्छा होता है। ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं। इनके जीवन में फिर भी उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। ये दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाले होते हैं। स्वभाव से दूसरों के लिए प्रेम होता है इनके मन में। ये सहनशील और सहयोगी होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं ओ नाम वाले। चलिए अब ओ नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले ओ नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। तो प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा उसमें जुलाई का महीना प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। जुलाई के महीने में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में प्रेम संबंधों में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर भी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। और अक्टूबर जो होगा वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर प्रेम संबंधों में काफ़ी बेहतर समय आपका रहेगा। खासकर 19 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा।
रहेगा और 19 अक्टूबर से लेकर जो आगे समय आपके लिए रहेगा वहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे और वहाँ पर कुछ न कुछ थोड़े बहुत संघर्ष भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के रहने वाले हैं प्रेम संबंधों के मामले में जो समय आपका रहेगा। और अगर आप प्रेम संबंधों में अगर हम बात करें, आपके साथी के साथ भरोसे में कमी ना दिखे इस बात का ध्यान रखकर चलें। खासकर 19 अक्टूबर से जो समय होगा वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलना है कि 19 अक्टूबर से लेकर और 31 दिसंबर तक के समय में आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपके साथी के साथ आपकी गलतफहमियाँ भी बढ़ेंगी और भरोसे में भी कमी देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी आप लोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना होगा, आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। नहीं तो आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ संबंध फिर आपके अच्छे नहीं रहेंगे और वहाँ पर आपको वाद विवाद भी देखने को मिलेगा और प्रेम संबंधों में बढ़िया परिणाम फिर आपको नहीं मिल पाएंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं कि अगर आप सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए, कोई मित्र आए और आप मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आपकी किसी से मित्रता है उस मित्रता को आप प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, जुलाई का महीना बेहतर है। अगस्त सितंबर के महीने में भी प्रयास किया जा सकता है। 19 अक्टूबर तक का समय अगर मैं कहूं तो ज़्यादा बेहतर है और यहां पर 19 अक्टूबर के जो बाद का समय है वहां पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। आपका प्रस्ताव आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर स्वीकार किया जाएगा तो वो साथी आपके साथ लंबे समय तक साथ नहीं निभाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि 1 जुलाई से लेकर 19 अक्टूबर तक का समय आपके लिए किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। वहां पर आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है और 19 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है वहां पर भी आप मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं और आपको मित्र मिल भी सकता है, यानी आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। लेकिन शंकाएँ और गलतफहमियाँ भी आपके साथी के साथ आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल सकती हैं, यानी कि मित्रता आपकी हो भी सकती है और होकर टूट भी सकती है। तो यहाँ पर वो साथी आपके साथ लंबे समय तक साथ जब ही निभाएगा जब बहुत ही जाँच परख कर आप किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। आपके मित्रवत संबंध पहले से हैं, आप साथी को अच्छे से जानते हैं, तो आप पूरे 6 महीने प्रस्ताव दे सकते हैं, आपके लिए अच्छा साथी मिल सकता है। लेकिन अगर आपने साथी का चयन सही से नहीं किया तो 19 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। प्रेम संबंधों में अगर मान लीजिए आपका कोई वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप इस बात को लेकर दुखी हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं, आपका साथी मान सकता है और 1 जुलाई से 19 अक्टूबर तक के समय में आप अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। जिन बातों को लेकर गलतफहमियाँ हुई हैं, जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है, उनको आप स्पष्टता से सुलझाएं, आप देखेंगे आपका साथी दोबारा से आपके जीवन में आ सकता है। 19 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के बीच में किया गया प्रयास आपको आसानी से सफलता नहीं दिलाएगा, क्योंकि वहां पर गलतफहमियां समाप्त करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपने साथी को ज़्यादा समझाना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। वाद विवाद को सुलझाने में तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना लें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, वरना आपके वाद विवाद नहीं सुलझ पाएंगे। हालांकि अगर हम प्रेम संबंधों में देखें 6 के 6 महीने में आपके साथी के साथ रोमांस ज़्यादा रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं आप देखेंगे कोई वाद विवाद भी नहीं होंगे, काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा, आपकी मुलाकातें भी ज़्यादा होंगी, आप कनेक्ट ज़्यादा रहेंगे और आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो आप समझें कि 19 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के समय में आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, वहाँ पर रोमांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा, मुलाकातें ज़्यादा होंगी, रोमांटिक समय रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, पर गलतफहमियाँ भी रहेंगी। 1 जुलाई से 19 अक्टूबर तक का समय आपके लिए परिणाम सामान्य बेशक दिखाए, लेकिन वहाँ पर वाद विवाद होने के चांसेस कम रहेंगे और वहाँ पर आप देखेंगे रोमांस भी रहेगा और प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा और मजबूती भी देखने को मिलेगी। अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है, यू लेटर से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, ओ से शुरू होता है, या फिर जे या जेड से शुरू होता है, या फिर पी से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि आपके साथ इन लोगों के संबंध ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यानी अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर जो मैंने अक्षर बताए हैं इनमें से किसी भी अक्षर से उसके नाम का प्रथम अक्षर शुरू होता है तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो परिणाम मैंने बताए हैं इससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे।
चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करें, तो वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपके लिए जो समय रहेगा वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक के समय में वैवाहिक संबंधों के लिए इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको क्रोध से बचना होगा। खासकर अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद आपके परिवार वालों का चल रहा है, आपके घर वालों का चल रहा है, जुलाई का महीना ऐसा है, 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय ऐसा है जब आप प्रयास करें वो वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, आपके साथी के साथ आपके परिवार के लोगों के परिवार के सदस्यों के संबंध सामान्य हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में खासकर 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा जब आपके जीवन साथी के साथ आपका रोमांस ज़्यादा रहेगा, भरोसा भी रहेगा, लेकिन बहस बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर आप प्रयास करें आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय भी ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर आपके अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद भी हैं तो उन्हें भी सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं, वहाँ भी वाद विवाद आपके समाप्त हो सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्रोध से बचकर रहना होगा, अहम से बचकर रहना होगा, बहस से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, बहस ज़्यादा हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ कोई ना कोई यात्रा भी करेंगे इन 6 महीनों में, और वहां पर अगर छोटे मोटे वाद विवाद हैं तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो मतभेद भुलाने के लिए, अपने साथी को मनाने के लिए एक समय तो आपके लिए 1 जुलाई से 18 अगस्त का है, दूसरा समय 16 नवंबर से 28 दिसंबर का है, और 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, और 1 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में भी आप अपने वाद विवाद सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ एक बात ध्यान रखकर चलना होगा कि आपको 30 अक्टूबर तक के समय में अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना होगा, वरना वहां पर बहुत जल्दी जल्दी गलत फहमियां देखने को मिलेंगी और वाद विवाद भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो नवंबर और दिसंबर का महीना बेहतर है, वहां पर आप अपने वाद विवाद सुलझा सकते हैं, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में वाद विवाद सुलझना काफ़ी मुश्किल है, वहां पर वाद विवाद आसानी से नहीं सुलझेंगे। ओ नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि बुधवार को आप पक्षियों को दाना पानी रखें या फिर गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, दोनों उपाय कर लें या दोनों में से एक भी उपाय कर लें, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे ओ नाम वाले लोगों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।